सो हे गाइस, आई एम प्रोमिनेंट। आप सभी का स्वागत है चैनल के और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, एडवांस सर्वर यहाँ पे खुल चुका है और गाइस सारी चीज़ यहाँ पे पता चलने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं वो भी 27 अपडेट के अंदर। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ देखेंगे। मेनली हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कैरेक्टर्स के बारे में। तो और उससे पहले आप लोगों में नया पेड भी दिखा देता हूँ कैसा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वैसा ही है, बस नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है ये वाला पेड। सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसका लुक वगैरह जैसे का वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है जो पिक्चर पे दिखा था हम लोगों को। सो चलो गाइस इसको यहाँ पे हम लोग बाय कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इसका एबिलिटी क्या होने वाला है। और गाइस जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर हम लोग अपकमिंग कैरेक्टर्स का भी रिव्यू करेंगे, मतलब खरीदेंगे, उनको लेके खेलेंगे और सारी चीज बताएंगे। सो इस वाले वीडियो के अंदर मैं ये चीज ड्यू रख रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरा एडवांस सर्वर से हर एक डिटेल्स आपको मिल सके। सो गाइस ये तो हो गया हम लोगों का न्यू पेट। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो न्यू पेट है गाइस, इसका नेम रखा गया गेम के अंदर मुनी। सो आप इसको चेंज तो ऑब्वियसली कर ही दोगे, मुझे पता है। सो यहाँ पे बात करते हैं इसके स्किल के बारे में। सो स्किन यहाँ पे कुछ लेवल आपका दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्किल कैसा होने वाला है। सो जब आप लोग यहाँ पे कोई भी हीलिंग आइटम्स के साथ रहोगे, लाइक यहाँ मेडिकेट यूज करोगे, ट्रीटमेंट गन यूज करोगे, ये सारे चीज आप लोग अगर यूज करते हो या फिर आप कभी रिपेयर कर लो अपना हेलमेट वगैरह, वो सारी चीज़ें मतलब फेस वगैरह, सो उस टाइम पे जो है आपके ऊपर जो डैमेज होगा वो कम पड़ेगा। तो गाइस एडवांस सर्वर खुलने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया था वो सही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे ये पेड लेके आपका कितना फायदा होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है, ओके। सो गाइस यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात तो करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बुया पे कल गाइस होने वाला है गेमर जोन, मतलब मेरा यहाँ पे कम्युनिटी स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे होगा कि आप लोगों के लिए कस्टम रूम बनेंगे जहाँ पे आप लोग आके खेल सकते हो, एंड आप लोग अगर कस्टम रूम जीतते हो तो आप लोगों को जर्सीज वगैरह मिलेंगे और इसके अलावा आप लोगों को देखने पे डायमंड्स वगैरह मिलेगा स्ट्रीम। तो गाइस कल यहाँ पे 3 बजे आप लोग जरूर आना बुया पे, और यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा बुया का सबसे ऊपर। सो चलो गाइस हम लोग बात करते हैं और सारी नए चीज़ों के बारे में। सो गाइस इसके अलावा आप लोगों को नया मशीन गन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, ठीक है। अभी इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक या फिर बोल सकते हो OB27 अपडेट का सबसे बड़ा टॉपिक जो होने वाला है गाइस, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि है गाइस बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म क्रोनो। जी हाँ गाइस, सिर्फ क्रोनो नहीं, बहुत सारे एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर्स की अब टाटा होने वाली है, और पैसिव स्किल वो भी पुराने वाले उनकी अब 4 चांदी लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ एंड्रू, क्योंकि आप लोगों को पता है एंड्रू का जो इलाइट वर्सन है वो इस वाले अपडेट के अंदर आने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब आपका ये वाला इलाइट एंड्रू आप यूज करोगे, सो क्या होगा कि आपका जो आर्मर होगा मतलब वेस्ट और हेलमेट होगा उनके ऊपर जो डैमेज होगा वो कम होगा 8% तक। और एक्स्ट्रा एक एबिलिटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हो एडिशनल 0.15 डैमेज रिडक्शन फ्रॉम एवरी टीममेट कैरिंग दिस स्किल, मतलब आपके टीममेट्स में से अगर इसको 2 जन यूज कर रहे हैं सो 0.15 एंड 0.15 मीन 0.30% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो वाला डैमेज भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा आपके टीममेट्स इस वाले स्किल को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको बोनस वाला एडवांटेज मिलेगा, समझ रहे हो। सो गाइस यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो अपने पुराने वाले कैरेक्टर्स थे उसको ज़्यादा बेटर किया जा रहा है, क्योंकि यार एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर गेम के अंदर कुछ ज़्यादा ही छा गए। और अगर आप यहाँ पे इलाइट एंड्रू को मैक्स करते हो तो देख सकते हो 14% तक जो डैमेज होगा वेस्ट और हेलमेट के ऊपर वो रिड्यूस होगा। सो गाइस एक और चीज़ यहाँ पे सुनने के लिए मिल रहा है कि जो इलाइट वाला वर्सन है और जो नॉर्मल वाला वर्सन है दोनों एक साथ मर्ज होके आएगा, मतलब अगर आप यहाँ पे एंड्रू यूज कर रहे हो सो इलाइट एंड्रू का स्किल ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है। सो इस चीज का टेस्टिंग करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स दूंगा मैं। सो गाइस उस वीडियो के लिए वेट करो। और गाइस यहाँ पे एक और चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज के दिन अप्रैल फुल कौन कौन हुआ है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हम लोग बात करते हैं और भी कैरेक्टर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो MR1 का जो स्किल आने वाला है ये भी पैसिव पे होने वाला है, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल होने वाला है गाइस पैसिव स्किल के अंदर। आप लोग देखो गाइस यहाँ पे जितना ज्यादा आपका एनिमी से डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे डैमेज इंक्रीज होगा, और ये होगा अप टू 5% मतलब 5% तक। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे जिसको आप डैमेज दोगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% डैमेज इंक्रीज होगा। सो गाइज यहाँ पे जो ये वाला स्किल होने वाला है ये तगड़ा से तगड़ा स्किल होने वाला है लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर। बट गाइज ये सब देख के एक चीज बुरा लगता है कि ये जो गेम है डे बाय डे ये कैरेक्टर के स्किल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है नॉर्मल प्लेयर्स के स्किल से ज्यादा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ सीन होने वाला है। सो गाइज अभी देखते हैं इसको मैक्स करने पे ये कितना ज्यादा डैमेज इंक्रीज करता है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब ये मैक्स हो जाएगा तो इसका जो डैमेज होगा गाइज वो 30 तक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पार्ड बुलेट आपका जो डैमेज होगा लॉन्ग रेंज पे वो 30 तक इंक्रीज हो जाएगा।
और यहाँ पे जिस एनिमी को आप टारगेट करके रखो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 15 डैमेज इंक्रीज होगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो गाइस, लॉन्ग रेंज फाइट पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा आपके एनिमी के साथ, मतलब आप अगर 50 मीटर रेंज के अंदर हो तो एक डैमेज आएगा, अगर 70 मीटर रेंज के अंदर हो तो ज़्यादा डैमेज आएगा इस कैरेक्टर के साथ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और गाइस यहाँ पे साथ ही साथ जिस एनिमी को आप मार रहे हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज, मतलब ऑब्वियसली आप एक ही एनिमी को मार रहे हो एट ए टाइम, सो पहला वाला जो एनिमी होगा उसके ऊपर ज़्यादा डैमेज आएगा, जिसके ऊपर मार्क आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है। सो इसका भी हम लोग ऑब्वियसली टेस्टिंग करेंगे। सो यार थोड़ा सा रुको, सबर करो, एक दिन में इतना सब कुछ हजम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस MR1 का स्किल आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, मैं तो इस कैरेक्टर को 100% यूज करने वाला हूँ जब ये आ जाएगा गेम के अंदर। सो गाइस आप लोग जरूर बताना आपको इसे यूज करना है या नहीं है, ठीक है। सो चलो गाइस हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, जो कि होने वाला है हमारा ब्रांड न्यू फीमेल कैरेक्टर सैनी। सो गाइस अगर इसकी स्किल की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100 HP आपको ये प्रोवाइड करेगा टेम्पोररी, मतलब एक टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 50% इंक्रीज करेगा डैमेज ग्लूअल के ऊपर एंड शील्ड्स के ऊपर। शील्ड्स मीन्स यहाँ पे हर टाइप का शील्ड होगा, वो ग्लूअल का शील्ड भी हो सकता है, वो आपका क्रोनो का शील्ड भी हो सकता है, हर टाइप के शील्ड्स के ऊपर। और ये जो है 8 सेकेंड के लिए रहेगा और इसका जो कूल डाउन है गाइस देख सकते हो 150 सेकेंड्स। गाइस सारे के सारे एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर्स के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कूल डाउन टाइम कितना बढ़ा दिया गया है, 150 सेकेंड्स, मतलब बहुत ज्यादा होता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेवल 1 का है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं मैक्स होने पे ये क्या करेगा। तो गाइस मैक्स होने पे देख सकते हो जो परसेंटेज था डैमेज का वो यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 80% तक, और जो कूल डाउन होगा वो घटके हो जाएगा 100 सेकेंड का। मतलब गाइस यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो क्या आपको ये वाला कैरेक्टर यूज करने की नहीं, 100 सेकेंड, मतलब वैगर का एक ग्लूअल बनने में 100 सेकेंड लगता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो गाइस 1 मिनट 40 सेकेंड एक बार फाइट में यूज करोगे, सो दूसरे बार फाइट में यूज कर पाओगे या ना कर पाओगे कोई भरोसा नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो गाइस किस तरीके के यहाँ पे स्किल बनाया गया एक्टिव स्किल वालों का। सो यहाँ पे गाइस आप लोग बताना आपको ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा, उतना कुछ खास तो है नहीं जितना यहाँ पे MR1 लगा है गाइस। तो गाइस अभी थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे उकोंग के बारे में। सो गाइस उकोंग के बारे में आप लोगों को एक चीज पता होगा, इसका एक खराबी ये था कि जब आप इसका बूस्ट यूज करते थे, मतलब बूस्ट बन जाते थे, उस टाइम पे अगर आप इसको कैंसिल कर देते थे, आपने पूरा यूज नहीं किया, आधा यूज करने के बाद ही कैंसिल कर दिया, सो ये जो है वापस से पूरा कूल डाउन लगता था इसका। बट अभी इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, आप अगर आधा यूज करके नॉर्मल हो गए हो, बूस्ट से नॉर्मल बन चुके हो, सो उस टाइम पे जो आधा ही यूज रहेगा और आधा आपके पास रह जाएगा, दोबारा अगर आप यूज करोगे तो आधा से वापस स्टार्ट हो जाएगा यूज होना। तो आप लोग शायद समझ नहीं रहे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है समझना, बट है बहुत सिंपल सा चीज, इतना समझ लो कि वुकोंग जो है अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका है। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर के बारे में। सो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इस वीडियो का या फिर आप सभी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर हेडेक वाला टॉपिक, क्रोनो। भाई देखो परेशान करके रखा है ये क्रोनो ने। सो यहाँ पे क्रोनो के अंदर गरीना अब बहुत से एक्शन लिया है इस वाले ओबी अपडेट के बाद। आप लोगों को क्रोनो की एबिलिटी में कुछ चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल जैसा था वैसा ही है। बट कूल डाउन टाइम देखो गाइस यहाँ पे 200 सेकेंड कर दिया गया है, मतलब ये लेवल 1 का है। अगर आप इसको मैक्स कर लोगे तो इसका कूल डाउन घटके होने वाला है 170 सेकेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस। और 170 सेकेंड्स का कूल डाउन मतलब आप लोग इतना समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 मिनट का, मतलब एक बार आप इसको यूज किए दोबारा इसका स्किल यूज करने में आपको 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि इससे हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म गया क्रोनो। सो यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस कैसा यहाँ पे इसको चेंज किया गया, इन्होंने बहुत सही किया है भाई। मतलब इसका अगर स्किल में भी चेंजेस करते तो शायद सही नहीं होता, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो गेम थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता था, कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता था, खराब भी हो सकता था। बट यहाँ पे अगर कूल डाउन पे लगा दिया गया रोक तो अब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे गाइस क्रोनो का अब काम खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे आप लोग नॉर्मल गेम से इसको कंपेयर करें, मतलब अभी जो हमारा गेम है रियल वाला, उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे, सो गाइस अगर आप यहाँ पे रियल गेम की बात करोगे जो भी अपना गेम है, सो इस पे अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो कूल डाउन होता है गाइस वो आप लोग देख सकते हो लेवल 1 पे भी उतना नहीं रहता है, 50 सेकंड रहता है, और मैक्स होने पे ये रहता है 40 सेकंड का। कहाँ 40 सेकंड और कहाँ 170 सेकंड्स, भाई मेरे को कुछ नहीं बोलना है, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे कि क्रोनो के साथ क्या होने जा रहा है। और गाइस यहाँ पे सबसे बुरी बात तो ये थी कि सारे प्लेयर्स जो है यहाँ पे इसको एफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और ये सामने आ जाता तो भाई सरदर्द जैसा था। आप चाहे किसी भी प्लेयर को नॉक भी कर दोगे तो अगर आप उसको फिनिश करने जाओगे अचानक से हील होके उठ के क्रोनो लगा के आपको मार देगा, और उस टाइम पर आप कुछ कर भी नहीं पाते थे। सो यहाँ पे ये चीज बहुत सही हुआ है गाइस। आप लोग जरूर गाइस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ
कैरेक्टर्स के बारे में आपको डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ पता चल सके। अभी गाइस आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ हमारा हायातो के बारे में। सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जो इलाइट हायातो है गाइस उसका जो स्किल था वो एक्टिव में आता था, अभी आप लोग देख सकते हो पैसिव में है। सो ये क्यों है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे आप अगर कोई भी इलाइट कैरेक्टर यूज करते हो सो इलाइट और नॉर्मल दोनों का स्किल पैसिव में ही आ जाएगा एक साथ। सो ये बहुत ही कमाल की बात है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्काई विंग करके यहाँ पे कुछ नया चीज़ यहाँ पे डाल दिया गया है, बट गाइस इसका मतलब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है। सो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में कभी बात करेंगे जब पूरा डिटेल्स मिल जाएगा ऑब्वियसली। सो वीडियोस गाइस शेयर किया करो और सब्सक्राइब कर दो गाइस, जो भी चैनल के ऊपर न्यू आज पहली बार आयो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है यार प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो हर एक डिटेल्स में चीज जानने के लिए, और हम लोग धीरे धीरे सारे चीज जानेंगे गाइस। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और कल बुया पे कम्युनिटी स्टार है, आप लोग जरूर आना।